तेजाजी महाराज के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जो आयोजन हमारे यहां के लोगों ने, हमारे यहां के अपनों ने, हमारे यहां के किसान के बेटों ने जो आयोजन रखा है वो वाकई काबिले तारीफ है। और भाई साहब गजेंद्र जी, प्राण प्रतिष्ठा, आराध्य देव की प्राण प्रतिष्ठा, मैं जाति का ब्राह्मण हूं, आराध्य देव की प्राण प्रतिष्ठा या मंदिर, किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखने का मौका एक बार ही मिलता है। ये मंदिर बन गया, इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, फिर इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, जीर्णोद्वार हो सकता है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा एक बार ही होती है। उसका लाभ, उस मंदिर में अपनी भागीदारी, उस मंदिर में अपनी हिस्सेदारी, उस मंदिर का युगो युगो तक अपना नाम कैसे हो, इसके लिए इस मंदिर में अपनी भागीदारी होना जरूरी है। जब पीढ़ियां आने वाली याद करे, जब बात हो तेजाजी के मंदिर की शेरगढ़ में, तब कहा जाए तो मेरे भी पिताजी ने, मेरे भी दादाजी ने, मेरे भी भाई ने या इस मंदिर में अपना भली एक रुपया भी दिया हो, अगर पैसा नहीं है तो यह श्रमदान भी किया हो, अगर कुछ भी नहीं है तो यहां आकर मंदिर में हाजिरी भी लगाई हो, लेकिन हमारी भागीदारी होना जरूरी है। वैसे गुरुदेव ने फरमाया, मेरा छत्तीसी कौम के साथ साथ जाट कौम द्वारा, इस किसान कौम द्वारा मुझे हमेशा हर जगह पर बहुत प्यार दिया जाता है, बहुत आदर दिया जाता है, यह आपका एहसान है मेरे ऊपर। और मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूं, तेजाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं, केतेश्वर दाता से प्रार्थना करता हूं, इसी तरह आप, आपके भाई स्थान सिंह पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे, आशीर्वाद बनाए रखे। और जब ये इतना बड़ा मंदिर बन जाएगा गजेंद्र जी, यहां प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद मेरा एक स्लोगन है, मेरा हमेशा मैं जहां भी मंदिर के कार्यक्रम में जाता हूं एक बात जरूर कहता हूं, जहां भगवान का द्वार, उसके साथ साथ शिक्षा का भी वहां पर मंदिर बनना चाहिए, शिक्षा के लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक युग में शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। जब तक पूर्ण रूप से हमारा समाज, हमारा एरिया शिक्षित नहीं होगा, तब तक हमारे लोगों के विकसित होने की कल्पना करना भी मेरे हिसाब से बेकार होगी। तो भगवान की मंदिर की प्रतिष्ठा के साथ साथ मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में या कैसे विकास हो, उसके लिए हमें कार्य करना है। वैसे जाट समाज द्वारा जगह जगह पर मैं देखता हूं शिक्षा के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, और यहां पर भी इस वीरों की धरती पर भी ऐसा कोई कार्य साथ में हो जहां शिक्षा के लिए कुछ बने। और मैं, मेरी टीम की ओर से तेजाजी मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, वैसे ब्राह्मण का बेटा हूं, 11,000 रुपए हमारी टीम की ओर से, क्योंकि ये मौका है, अगर यहां आया हूं तो कुछ देके जाना चाहिए। गुरुदेव अभी बता रहे थे कि उसके ट्यूबवेल हो गई, ये कि ये वाक्य मेरे साथ में हुआ है गुरु, मेरे गांव में मेरी कुल की देवी मां कुबड़ माता जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, और अपने एरिया की सबसे बड़ी प्राण प्रतिष्ठा थी वो। उस समय मैं तुरंत संपत जी के वहां जोधपुर से आया था, गांव में आया, मेरे पास में कुछ भी नहीं था, ऊपर वाली जेब में 50 रुपए थे नगद, वो भी दूसरे दिन जोधपुर जाने का किराया था बस के माध्यम से। बैठे गुरुदेव जैसे संत वहां पधारे हुए थे, बोलियां चल रही थी, देवी मां के प्रति भाव प्रकट हो गए, आस्था प्रकट हो गई, कहा यहां बोली ले। तब हेलीकॉप्टर का सड़ावा चल रहा था, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की बोली का, भाई मगे हेलीकॉप्टर में बह होना पड़ी, पर रिपिया देव में 50 चीज है,
दो मिनट का समय आपका जरूर दूंगा, जो बोलिए चल रही, इसलिए आपको बात बता रहा हूँ। वैसे मैं भाषण दे देता, मैंने वो किया चला जाता, उसका आज या कोई औषधीय नहीं है। और बहुत सारे मंच आएंगे वो बातें करने के। मेरे जेब में 50 रुपए थे, बोली चली, बोल दी बोली। अब जागीदार गांव में तो मोटी बोली हुई लागे, छोटी लागे वो नहीं। बोली चल रही थी, अब जितनी बोली वो भगवान के भरोसे है, पर बड़ी बोली थी, हेलीकॉप्टर पुरुष वर्षा की। 50 रुपये नगद, 7 दिन में पैसे देने देने वाला भी कोई नहीं, जोधपुर से ताजे ताजे आए हुए। वैसे जोधपुर से नया नया आता है उसके ऊपर भरोसे कम ही करते हैं लोग, गांव वाले कम करते हैं। कोई भरोसा नहीं कर रहा था, बोल दी, देवी माँ की कृपा हुई, उसके बाद से हमेशा हेलीकॉप्टर में ही घूम रहा हूं, कोई कमी नहीं है। और जो भी कृपा दृष्टि हुई उसके बाद ही हुई। आप ये मत सोचना, ये मत विचार करना कि पया कटुआ है, पया तो तेजो बाबू आप ही दे ही कटु इन कटु तब दबान इन प्रतिष्ठा ने भव्य बनाई जो। और जद परसों बात हुए अखबार में, टीवी चैनल में, तो संदेश जावे न जुजे कि तेजा बाबा रा भक्त, तेजा जी रा भक्त एक बहुत ही बड़ी प्राण प्रतिष्ठा करी शेरगढ़ री धरती रे माते, इतिहास लिखी न जुजे कि किसान रा बेटा इक्टाविया, जाट कोमरा सही छत्तीसी कोमरा लोग रा इक्टाविया, और एक बहुत ही भव्य प्रतिष्ठा रो आयोजन करियो। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने बुलायो, मान सम्मान दियो, इन वास्ते मैं हमेशा आप रो आभारी रहूंगा, आभारी रहूंगा। और जदे भी कटे काम काज में मारी आवश्यकता पड़े, याद कर जो हमेशा आप रे हाथे खड़ो रूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, राम राम जी।